तो दोस्तों अजय देवगन अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। पिछले दिनों जहां उन्होंने थैंक गॉड की शूटिंग खत्म की, वहीं अब मेड़े और मैदान को खत्म करने में लगे हुए हैं। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान के आखिरी शूटिंग होनी है। बता दें फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई है। मैदान में अजय देवगन एक फुटबॉल कोच और मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, लेकिन पहले महामारी फिर तौते तूफान की वजह से फिल्म रोक दी गई। तूफान की वजह से फिल्म का पूरा सेट टूट गया और निर्माताओं को लाखों का नुकसान सहना पड़ा। वहीं इस बीच निर्देशक अमित शर्मा भी कोरोना से ग्रसित हो गए। खैर, तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैदान की टीम एक बार फिर से तैयार है। अक्टूबर मध्य से फिल्म के 25 दिनों का शेड्यूल शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले मुंबई में फिल्म का पूरा सेट तैयार किया जाएगा। मड आइलैंड में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां फिल्म का क्लाइमैक्स और कुछ अहम सीन्स की शूटिंग होनी जरूरी है। इस स्टेडियम में कई मैचों की शूटिंग की जाएगी, जिनमें से मुख्य तौर पर जकार्ता में 1962 के एशियाई खेलों का फाइनल मैच है, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए टीम 25 सितंबर तक स्टेडियम के पुनर्निर्माण पर काम करना शुरू कर देगी और अक्टूबर के मध्य तक तैयार हो जाएगी। अजय शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में क्या अजय देवगन अपना कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आप अजय देवगन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।